अभी ये एक्चुअली पोपट हो गया है मेरा, क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी दोपहर के 2:05 का टाइम जो है वो हुआ था, और ये स्पेशल मोमेंट इसलिए है क्योंकि नमो ने मुझे और मैंने नमो को इस टाइम पे प्रपोज किया था। जो टाइम का जो ड्यूरेशन था वो फर्क वो था कि मैंने रात को और नमो ने दिन पे मेरे को प्रपोज किया था। और उस टाइम पे कैसा था कि वो जहाँ पे काम करती थी तो मैं गाड़ी लेके वहाँ पे जाया करता था और नमो को मिलता था और हम दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते थे, पार्किंग और खाना बाना खाते थे। तो वो मोमेंट जो था वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, और वही स्पेशल मोमेंट हम हर साल याद करते। आज 2 साल कंप्लीट हो गए, तो 2 साल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, तो 2 साल कंप्लीट हो गए। और आज मेरे पास भी कुछ गिफ्ट है और नमो के पास भी कुछ गिफ्ट है, तो लेट्स सी कि क्या गिफ्ट है। और सबसे पहले जो गिफ्ट है अपने देखते हैं क्या है। तो ये नमो ने एक्चुअली मैं ये छुपा के रखा था, मतलब नमो ने ऑर्डर कर दिया था लेकिन फिर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मेरे को नहीं मिला, पता नहीं उसने गांव पे छुपाया था। लेकिन वो नमो ने मेरे को अभी बताया ये, तो अभी लेट्स बॉक्स दी। ओ वाओ, 2 टी-शर्ट है अपने पास। लेट्स सी, लेट्स देखो, टी शर्ट और शूज जो होते ना तो उसका तो मैं दीवाना हूँ, आप लोगों को पता ही है, राइट? तो ये जो है वो टी शर्ट है। वाओ, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, सो दिस लवली प्यारी टी शर्ट है। इट्स नॉट अ रेस काइंड ऑफ नो स्लोगन है। 3 टी-शर्ट निकालते हैं, 2 टी-शर्ट को करके देखते हैं। कपड़े का दाम बड़ी प्यार है, बॉक्सिंग थिंग्स बट वाओ, ये ड्राई फिट है। ड्राई फिट मेरी बहुत ही फेवरेट टी शर्ट रहती है क्योंकि इसको कोई भी वेदर में कहीं पे भी गर्मी में आराम से पहन सकते हो, और ट्रैकिंग में और वो सब जगह पे बहुत काम में आती है। वाओ, अमेजिंग। ये भी ब्लूइश और ब्लू काइंड ऑफ, ब्लू ग्रीन काइंड ऑफ शेड है, बट इसका जो ड्राई फिट है वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यार। मतलब ये कौन सी कंपनी का? रॉन्ग कंपनी का है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस 2 टी-शर्ट्स नमो। अभी नमो ने एक और गिफ्ट भी मंगाया है लेकिन वो मुझे बाद में बताने वाले हैं, और मैंने भी जो सरप्राइज रखा हुआ है अभी ये एक्चुअली पोपट हो गया है मेरा, क्यों? क्योंकि मैंने जब गिफ्ट मंगाया था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, मुझे लगा कि ये पूरा पैकिंग में आएगा, सो नमो को पता नहीं चलेगा कि गिफ्ट के अंदर क्या है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम हो गया और ये बॉक्स ऐसे ही आया, पता नहीं, मतलब पहली बार मुझे इस तरीके से बॉक्स आया है और उसमें ये फ्लिपकार्ट का इस तरीके का इनवॉइस आया है, मतलब मुझे लगा पूरा रैपअप होके आएगा लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने मंगाया है नमो के लिए ये मिक्सर और काइंड ऑफ जूसर काइंड ऑफ है, तो हम डेली बेसिस पे अभी हमने जूस पीना शुरू किया है हेल्दी तरीके से। एक मिनट में एसी चालू कर देता हूँ क्योंकि गर्मी है, साइक्लोन के टाइम पे थोड़ा मतलब पवन ज्यादा था, कल बारिश भी हुई थी लेकिन आज बहुत गर्मी है। ओके, तो दोस्तों अभी ये जो है वो है मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर सब साथ में है, और नमो ये तेरे लिए है, तो थैंक यू, देख सकती है। एक मिनट, तो ये जो है वो महाराजा कंपनी का है और मतलब इसके अंदर पावर है, और यहाँ से जो है वो जूसर जो है रोज रो फ्रूट्स डालने के, और फिर वो जो बड़ा वाला जार है उसमें जूस आएगा, ये आई थिंक 5 का है, वहाँ पे से जूस निकलेगा।
देखते हैं और क्या क्या आया है बॉक्स के अंदर। सो ये भी आया है नमू, वो जूसर उसमें निकलेगा, इसके अंदर जूस निकलेगा, वो जो रखा है ना वो। तो अभी देखो मैंने तो ऑर्डर कर दिया जो अच्छा दिख रहा था, ये छोटा ग्राइंड करने के लिए चटनी और ये भी है और ये ऊपर ढक्कन बनाओ। ठीक है, तो इतनी चीजें आई है। इसकी इसकी खासियत क्या है पता है? क्या? इसमें रोज जूस मतलब ऐसे ही बिना कुछ एडेड शुगर करे बिना डायरेक्ट निकलता है ऐसा। हाँ मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे। एक बार तू मुझे सिखा देंगे ना तो फिर क्या है कि अपन कर देंगे। हाँ कैसे करने का? यहाँ पे ना यहाँ पे जूस यहाँ पे डालने का, पूरे यहाँ पे ब्लैक कलर का ढक्कन होगा, उसको ऐसे प्रेस करने का, यहाँ से जूस निकलेगा यहाँ से। हाँ वो कुछ काम की चीज आ गई। नहीं है बहुत अच्छी, मुझे मेरा फेवरेट है। तो ठीक है, तो अभी आई थिंक नमू को गिफ्ट पसंद आया। मुझे पता है पोपट हो गया, लेकिन आई होप तेरे को पसंद आया होगा ये वाला गिफ्ट। नहीं बहुत अच्छा है। तो ये चीज है। तो दोस्तों अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो हमारा स्पेशल डे है वो अभी हम मनाएंगे, उसकी कुछ झलक जो है आपको अगले वीडियो में भी थोड़ा बहुत देंगे। बाकी नमू ने मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मंगाया है बहुत दूर से, तो देखते हैं कि वो कौन सा गिफ्ट है और वो कब आता है और क्या होता है क्या नहीं, तो देखते हैं। क्योंकि नमू ने बोला कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट है, तो देखते हैं कि क्या गिफ्ट नमू देती है। बाकी आप भी गेस करो कि नमू मुझे क्या गिफ्ट दे सकती है। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, सी या, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।